नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं अप्रैल के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स, यानी अप्रैल के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 38। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को अपने पहले के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने अपनी वीडियो सीरीज डाल रखी है उन सब के निचोड़ में से जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब को मैंने इसमें सेलेक्ट करा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 20 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है, इस नोट के पीछे किसका चित्र होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। ओके, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस नोट का कलर क्या होगा? तो इस नोट का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन येलो। मैंने इसके पीछे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उसमें आपको मिलेगी। सारे नोटों को मैंने विश्लेषण किया है उसमें। ओके, और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि इस नोट की साइज कितनी है? तो इस नोट की साइज होगी 63:129 mm। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। ओके, और आपको यह भी बता दूं कि भारत जो है सेशल्स से ही एजम्पशन आइलैंड नामक टापू खरीद रहा है। एजम्पशन आइलैंड नामक टापू खरीद रहा है, एजम्पशन आइलैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। मास्टर दीननाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 किनको दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान खान के पिता सलीम खान। ओके दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने अपने डेली वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रखा है, डीप में डिस्कशन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोज़ का आप लाभ ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। ओके, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस में से, उन्हीं सारे वीडियोज़ में से मैंने जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इन सब क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने की पूरी चांसेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएई में खूनी बैसाखी नामक किताब जारी हुई है, इस किताब को किसने लिखा है? देखिए, ये जो खूनी बैसाखी किताब है, पहले इसको जानिए, खूनी बैसाखी किताब लिखी गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। ओके, और ये एक पोएट्री बुक है, याद रखिए आप लोग, ये एक पोएट्री बुक है। इसके लेखक है ऑप्शन नंबर डी, नानक सिंह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन टाइम मैगजीन 2019 की 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की में भारत की तरफ से शामिल किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों, यानी मुकेश अंबानी भी, मेनका गुरुस्वामी भी, अरुंधति काटजू भी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2019 में जारी होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्विचॉट। ओके, ये सलमान रश्दी द्वारा लिखित एक किताब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सातवां चीन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंघाई में, और शंघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का, याद रखें आप लोग, ब्रिक्स बैंक। इसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, यानी एनडीबी, ठीक है, और एनडीबी के चेयरपर्सन है के भी कामत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असद अनवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के वित्त मंत्री थे? तो असद उमर जी जो थे वो वित्त मंत्री थे पाकिस्तान के, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल किस देश के हवाई अड्डे में बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में, और सिंगापुर में एक एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, नाम याद रखें आप लोग, चांगी एयरपोर्ट में ही ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बना है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 131 फुट, याद रखें, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से आपको दो तीन प्रकार के डाटा मिल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चाइना द्वारा लागू टी आर क्यू के खिलाफ, ये क्यू आर टी गलती से हो गया, इसको टी आर क्यू कर लेना, टी आर क्यू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यूएसए को किस संस्थान से अनुमति मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टी आर क्यू क्या है, इसको कहते हैं टैरिफ रेट कोटा। ओके, चाइना अनाजों में दो प्रकार का जो टैक्स लगाता है उसी को कहते हैं टैरिफ रेट कोटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के द्वारा भारत के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले ये था 1.5 लाख, और अब सॉरी पहले ये था 1,75,000, अब कर दिया गया है 2 लाख, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, यानी अब 2 लाख भारतीय सऊदी अरब में हज यात्रा कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। हाल ही में अमर पॉल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अमर पॉल जी जो थे ये बहुत बड़े गायक थे बंगाल से, यानी बंगाली गायक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे आते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे नोटिस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जिसके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बाकायदा इसका नोट्स बनाते चलें आप लोग, और मैं हर संडे को हर वीक के बाद आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स का सेशन इसी प्रकार से लेते आऊँगा। ओके, तो उसका लाभ जरूर उठाएं आप लोग। ओके, विश्व पृथ्वी दिवस 2019 का विषय क्या था जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है? देखो, इस क्वेश्चन में मैंने दो दो प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। पहला जो ये क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था, और दूसरा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन के लिए दो दो क्वेश्चन बनाना मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैंने एक ही क्वेश्चन में इसमें दो दो डाटा डाल दिए। आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका 2019 का विषय था प्रोटेक्ट योर स्पीसीज, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। ट्विटर ने भारत के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष माहेश्वरी। ओके, मनीष माहेश्वरी ट्विटर में भारत के एमडी बने हैं। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। भारत की कौन सी घटना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट में शामिल की गई है? तो भारत में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो रखी थी, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था, उसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर लिखें कि इस प्रकार की वीडियोस आपकी चाहिए, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियोस, वीकली करेंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूं। ओके, और यदि आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया? देखिए, इसमें भी मैंने दो प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करें आप लोगों से। पहला तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS इम्फाल। आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने INS इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है, तो वो इसी क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट 15B। ओके, चलिए आते हैं आगे। भारत की पहली रिटेल कंपनी कौन सी है जिसने 1,00,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी पार कर ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस रिटेल। ओके, ये भारत की पहली रिटेल कंपनी बनी जिसने 1,00,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी पार कर ली है। नेक्स्ट है, जूडो यूनियन के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकेश कुमार, जूडो यूनियन के नए जनरल सेक्रेटरी। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। होप प्रोब नामक प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला है, यह किस देश का प्रोजेक्ट है? आप सबको मालूम है कि ये सब क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। UAE का प्रोजेक्ट है होप प्रोब। ओके, UAE की राजधानी है अबू धाबी। आते अगले क्वेश्चन में। दोहा में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PU चित्रा। ओके, और पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करा है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पे।
ठीक है, ये कतर के दोहा में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेडियम में, तो दोहा में बहुत ही फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम है, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, याद रखें आप लोग, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। ओके, आते हैं आगे। इनमें से किस मंत्रालय ने साइक्स नामक किट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइक्स नामक किट लॉन्च किया है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इसराइल का कौन सा शहर के एक समुदाय का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलन हाइट्स। मैंने सारे क्वेश्चंस को अपने प्लेलिस्ट वाली वीडियो में डीप डिस्कशन किया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने किस सब्सिडियरी का पूरा पूरा हिस्सा भारत सरकार को बेच दी है? ये क्वेश्चन तो खैर सुपर इम्पोर्टेंट है ही। भारतीय रिजर्व बैंक के दो सब्सिडियरी नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को बेच दिया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। आते अगले क्वेश्चन में। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कहां पर लॉन्च की गई है? दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है अफ्रीकन कंट्री मालावी में, और WHO ने यह भी कहा है कि घाना में और केनिया में भी बहुत जल्दी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। पिछले साल सॉरी 2017 में जो मलेरिया से रिगार्डिंग डेथ हुई थी उसका 73% करीब अफ्रीकन कंट्रीज में हुई थी, ये डाटा भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करणम शेखर। करणम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं, ये पहले थे देना बैंक के MD एंड CEO, अब हो गए हैं इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। किनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जांच करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था, फिर उन्हें पदस्थापित किया गया, यानी वापस उन्हें नौकरी पर रख लिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IAS मोहम्मद मोहसिन। ओके, इन्होंने उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जाँच कर लिया था। ओके, इस वजह से इनको इलेक्शन कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया था, और ये कर्नाटक के IAS है, ये भी याद रखें आप लोग। आते आगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार दवाइयों के लेबल में क्या शामिल किए जाने की सलाह दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, रीजनल लैंग्वेज शामिल होना जरूरी है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। किस कॉलेज के जियोलॉजिस्ट ने वाकाटोबी और वेंगे वेंगे नामक दो पक्षियों की प्रजाति को खोज निकाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिति कॉलेज डबलिन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाकाटोबी और वेंगे वेंगे नामक पक्षियों की दो नई प्रजाति जो खोजी गई है, ये कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में, आप लोग याद रखें, इंडोनेशिया में। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। 25 अप्रैल 2019 को हेमा श्री फर्नांडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के रक्षा सचिव थे? तो हेमा श्री फर्नांडो जो थे ये रक्षा सचिव थे श्रीलंका के। ओके, श्रीलंका में हाल ही में आप लोगों को मालूम है कि ईस्टर के दिन अटैक हुआ था, करीब 8 जगहों पर अटैक हुआ था, जो इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ओके, इस वजह से इसके बाद, इस घटना के बाद ही हेमा श्री फर्नांडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। USD $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण इकट्ठा करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बनी है? तो USD $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इकट्ठा करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, पहली है एप्पल, दूसरी है अमेजॉन। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 इनमें से किनको दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 दिया गया ऑप्शन नंबर बी, राणा दास गुप्ता। इन्होंने 2010 में एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम है सोलो, ये भी याद रखें आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि राणा दास गुप्ता को किस नॉवेल की वजह से ये अवार्ड मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज? ओके, तो उसका आंसर हो जाएगा सोलो। ओके, आते अगले क्वेश्चन में।
इनमें से कौन सा एयरवेज दुनिया का पहला एयरवेज बना जिसने प्लास्टिक फ्री फ्लाइट को ऑपरेट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एतिहाद एयरवेज। ओके, और एतिहाद एयरवेज जो है ये यूएई की आप कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी एयरवेज है, याद रखें आप लोग। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इनमें से किस सेना ने महिलाओं की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी ने। ओके, इंडियन आर्मी ने महिलाओं को भी रिक्रूट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2019 जो बीजिंग में आयोजित हुआ था उसमें भारत की तरफ से 10 मीटर एयर पिस्टल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों, यानी ए और बी दोनों। मैंने इस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके एक सप्ताह के पूरे निचोड़ का करेंट अफेयर्स। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि इस प्रकार की वीडियो और बनाई जाए, तो मैं इस प्रकार की वीडियोस और बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। मेरा खुद का मानना है क्या कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से बेहतर है कि आप एक साथ ही सारे करंट अफेयर्स के डाटा को कलेक्ट करके पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।